निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला व उसके पुत्र ने घर में घुसकर ईंटें बरसाई और उसकी तथा पुत्र के साथ मारपीट की है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोती कॉलोनी निवासी फहमिदा पत्नी इश्तियाक ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को बताया है कि बीती 8 अक्टूबर की रात्रि करीब 9:30 पर रुखसाना उसके पुत्र फैजल के साथ गाली गलौज करने लगी। जब उसने व फैजल ने गाली गलौज करने के लिए रुखसाना को मना किया तो रुखसाना सांबर तथा उसके पुत्र ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की। शोर सुनने पर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और हमारी जान बचाई। इसके बाद रुखसाना सांबा व इनका पुत्र जान से मारने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि वह मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे। संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने? मोती कॉलोनी के। क्या क्या हुआ आपके साथ में? पहले हमका करा किसने? रुखसाना ने, सोमा ने। हमें घर जाकर हमारे गेट तोड़े फिर हमका पथराव करा, फिर हमारे बच्चों को गला घोटा ने, फिर महल्ले वालों ने आन के हमें बचाया। अन्य ना वो ना बचाते ना हमें मार देती वो जान से तोड़ हमें आगे की सांबा रुखसाना। और फिर हम चौकी गए, चौकी में हमारे फोन वगैरह हुई, फिर हम थाने गए। थाना में हमारी आप क्या चाहते हैं? हमें अन्याय चाहिए। कप्तान के साथ के माँ गई थी, मैं माता हुई हमारी।